हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप शॉर्ट में MS वर्ड भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? MS वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप शॉर्ट में MS वर्ड भी कह सकते हैं। एम का मतलब हुआ माइक्रो और एच का मतलब हुआ सॉफ्ट। एम का मतलब क्या हुआ? माइक्रो, और एच का मतलब हुआ सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। और ये वर्ड तो वर्ड ही है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? MS वर्ड कह सकते हैं, या फिर आप केवल वर्ड भी कह सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज की तरह होता है, एक पैकेज होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मैटर्स आते हैं। दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक पैकेज की तरह होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आता है, ये इसी का भाग है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो हम लोग बारी बारी से सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो किसका भाग है? वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है, वो इसी के अंतर्गत आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शॉर्ट में MS ऑफिस भी कह सकते हैं। MS ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन आते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, MS एक्सेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हम लोग MS वर्ड के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है जो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया जाता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिए जाएंगे। आपको इन सभी सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है? आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या करना होता है? डाउनलोड करना होता है, उसके बाद इंस्टॉल करना होता है, तभी जाकर ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया जाता है कंप्यूटर के साथ या फिर आपके लैपटॉप के साथ। आपको क्या करना होता है? इसे डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तभी जाकर ये अवेलेबल होते हैं। तो जो जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, जैसे MS पेंट, नोटपैड, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया जाता, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है, जिसका काम वर्ड से संबंधित किसी भी टेक्स्ट अल्फ़ाबेट को लिखना, एडिट करना या बनाना होता है। आप MS वर्ड में, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप वर्ड से रिलेटेड किसी भी काम को कर सकते हैं। वर्ड बोले तो आप टेक्स्ट, किसी भी अल्फ़ाबेट को लिखना हो, किसी भी न्यूमेरिक की को लिखना हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं। आप वर्ड से रिलेटेड काम को कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1983 ईस्वी में बनाया था। ओके, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बन चुका है। सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसर कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, आपको याद रखना है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो
अन्य किसी वर्ड प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो एम एस वर्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ओके, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ये वर्जन क्या होता है। तो जब किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ परिवर्तन किया जाता है, कुछ चेंजेस किया जाता है, तो उसे एक नया वर्जन नेम दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं कुछ भी चेंजेस की हूँ, तो क्या करूँगी, मैं उसे एक नया वर्जन नाम दे दूँगी। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी कई सारे वर्जन हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऐड किया गया, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए, या फिर कुछ बदलाव किया गया, तो उसे एक वर्जन नाम दे दिया गया। फिर से उसमें कुछ ऐड किया गया तो फिर से क्या कर दिया गया, एक और वर्जन नाम दे दिया गया। कुछ और ऐड किया गया तो फिर से क्या किया गया, फिर से एक नया वर्जन नाम दे दिया गया। तो यही होता है वर्जन। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, बहुत सारे वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवेलेबल हैं। ओके, तो फिलहाल मैं 2010 यूज़ करूँगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इमेज वर्ड को ओपन करना सीखेंगे। तो इमेज वर्ड को बहुत सारे मेथड से ओपन किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, वह सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो आपके सामने एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। अब जैसे ही कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो ये जो रन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। आपको क्या प्रेस करना है, आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है, विंडोज के साथ आर प्रेस करना है। ओके, जैसे ही आप कीबोर्ड में विंडोज के साथ आर प्रेस करोगे तो देखो क्या होगा, ये जो रन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और सिंपली आपको क्या करना है, जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करना चाहते हो उसका कमांड आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मुझे एम एस वर्ड को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, एम एस वर्ड का जो कमांड होता है वो बिन वर्ड होता है, तो मैं यहाँ पर बिन वर्ड टाइप करूंगी। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर बिन वर्ड टाइप कर लेना है, देन इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड में इंटर भी प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो एम एस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एम एस वर्ड है वो ओपन हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है, देन इस रन डायलॉग बॉक्स में बिन वर्ड टाइप कर देना है, देन ओके। तो ये क्या हुआ, एम एस वर्ड ओपन हो गया। या फिर आप सर्च वाले ऑप्शन में सर्च कर सकते हो, आप वर्ड भी यहाँ पर सर्च करोगे, टाइप करोगे तो देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है 2010। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मिस वर्ड ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये हो चुका है, लेकिन सबसे वेस्ट जो मेथड है वो है रन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से ओपन करना। तो आपको इसी मेथड का यूज़ करना है, विंडो के साथ आर प्रेस करना है, देन बिन वर्ड टाइप कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये एम एस वर्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए ये कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये क्या है, ये माउस का कर्सर पॉइंट है। ये क्या है, ये माउस का कर्सर पॉइंट है। ये शो कराता है कि आप जो भी लिखोगे जो भी टाइप करोगे अपने कीबोर्ड में वो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। जैसे देखो मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो ये क्या, यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपका ये माउस का कर्सर पॉइंट था, तो ये शो कराता है। ओके, अब देखो ऊपर में राइट साइड में आपको थ्री ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ये है क्लॉज, क्या है क्लॉज, ये है रीस्टोर्ड ऑन, और ये है मिनिमाइज।
तो हम लोग बारी बारी से तीनों ऑप्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, ये क्या है, बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये क्या है, ये है माउस का कर्सर पॉइंट। क्या है? माउस का कर्सर पॉइंट है। ये क्या शो कराता है? ये दर्शाता है कि आप जो भी लिखोगे वो यहाँ से लिखना शुरू होगा। देखो मैं कुछ भी लिखूँगी तो ये यहीं से लिखना शुरू होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए क्या है क्लॉज, ये क्या है, ये है क्लॉज। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको आप क्लॉज कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होगा यहाँ पर ही, डू यू वॉन्ट टू शेप चेंजेस योर मेड टू डॉक्यूमेंट्स। ये पूछ रहा है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट वन है, देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वन हो रहा है। ये क्या है डॉक्यूमेंट वन, ये आपका डॉक्यूमेंट का नेम है, डॉक्यूमेंट वन। तो जैसे ही मैं इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक करती हूँ तो देखो क्या हो रहा है, डू यू वॉन्ट टू शेप चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट वन। ये डॉक्यूमेंट वन है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा फाइल है, इस फाइल का नेम है, फाइल का नेम क्या है, डॉक्यूमेंट वन। अगर आप सेव करोगे किसी भी नेम से तो आपका फाइल का नेम जिस नेम से आप सेव करोगे वही हो जाएगा और वहाँ पर वही शो होगा। ओके, लेकिन अभी मैंने इसे सेव नहीं करा है इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वन शो हो रहा है। तो क्या आप इस डॉक्यूमेंट को, ये जो आपका फाइल है, आप इसको सेव करना चाहते हो उसके बाद क्लोज करना चाहते हो, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, या फिर आप बिना सेव किए, डोंट सेव, क्या आप बिना सेव किए इसे क्लोज करना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगी, डोंट सेव करूँगी, तो ये सेव भी नहीं होगा और क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। देखो ये क्लोज हो चुका है। अगेन मैं क्या करूँगी, इमेज वर्ड को ओपन करूँगी। अब देखो, अब मैं इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है। देखो मैं जैसे ही क्लोज वाले बटन पर क्लिक करूँगी, इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये क्या होगा, डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। देखो ये कोई भी सवाल नहीं करा। देखो अगेन मैं इमेज वर्ड को ओपन करती हूँ और मैं कुछ भी इस फाइल पर वर्क करती हूँ, मैं कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। अब मैं इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक करूँगी, इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वो विंडो ओपन होगा और बोलेगा, डू यू वॉन्ट टू शेप चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट वन। क्या आप इस फाइल को क्या करना चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो? अगर आप सेव करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल है, वो सेव हो जाएगा, देन क्लोज हो जाएगा। देखो मैं सेव करती हूँ, सेव किस नेम से करूं, मैं सोनी से सेव कर देती हूं। ओके, सोनी से मैं सेव कर दी। अब देखो ये क्लॉज हो गया, ऑटोमेटिक सेव होकर के क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। अगेन मैं इमेज वर्ड को ओपन करती हूं। अब देखो और मैं इसमें कुछ वर्क करती हूं, कुछ भी टाइप कर लेती हूं, देन क्लॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूं। अब यहां पर है डोंट सेव। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, डोंट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो फाइल है वो सेव भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा, देख सकते हो आप। अगेन मैं इमेज वर्ड को ओपन करती हूँ। अब देखो और मैं कुछ वर्क करती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी, लास्ट ऑप्शन क्या है, कैंसिल। क्या आप क्या इसे कैंसिल करना चाहते हो, ये जो विंडो है इसको कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है रीस्टार्ट डॉन। क्या है, रीस्टार्ट डॉन। इसके ज़रिए आप इस फाइल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये क्या हुआ, मैक्सिमाइज हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। देखो आपको जितना इधर बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। आप अगेन इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो देखो ये क्या हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जितना भी आपको छोटा करना हो, बड़ा करना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। अगेन मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। आप कीबोर्ड में विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो देखो क्या हुआ, ये मैक्सिमाइज हो गया। अगेन डाउन एरो प्रेस करोगे, विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। देखो ये मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, आपके टास्क बार पर आ गया। अब मैं अगेन मैक्सिमाइज कर देती हूँ। मैक्सिमाइज इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। देखो देखो देखो। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मिनिमाइज। क्या है? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है मिनिमाइज। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज वर्ड है वो टास्क बार पर चला आएगा। देखो ये क्लॉज नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये टास्क बार पर आ चुका है। देखो ये टास्क बार पर आ चुका है, ये क्लॉज नहीं हुआ है। तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो मैक्सिमाइज करने के लिए। आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड में विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। तो देखो ये मैक्सिमाइज होगा, और आप अगेन विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये आपके टास्क बार पर चलाएगा। देख सकते हो ये आ चुका है। और अगर आप कीबोर्ड में विंडो के साथ राइट एरो प्रेस करोगे तो देखो क्या होगा, ये राइट साइड में चला गया। लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो देखो क्या हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मिनिमाइज करोगे तो ये टास्क बार पर चलाएगा। ओके अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखिए ये वर्ड यहाँ पर दिख रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये वर्ड हेल्प का एक ऑप्शन, एक विंडोज ओपन होगा वर्ड हेल्प। अब आपको जो भी हेल्प लेना है आप इसकी हेल्प से, वर्ड से रिलेटेड कोई भी हेल्प को ले सकते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ओके अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F1 होता है। सो ओनली द टैब नेम्स ऑन द रिबन, ये जो रिबन है, ये जो रिबन है ये शो नहीं होगा जब आप उस पर क्लिक करोगे, ये शो नहीं होगा। आपको सिर्फ ये जो टैब है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मीलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ओनली टैब शो होंगे। देखो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो क्या हुआ, जितने भी रिबन थे वो सारे हाइड हो चुके हैं, केवल और केवल यहाँ पर टैब शो हो रहा है, ये जो होम टैब है, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मिलिंग्स, रिव्यू, व्यू, केवल और केवल यहाँ पर क्या शो हो रहे हैं, केवल यहाँ पर टैब शो हो रहे हैं। लेकिन अगेन आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, वो सारे रिबन्स शो होने लगेंगे। देखो ये सारे रिबन्स, ये रिबन्स भी शो होने लगे। आपको फिर से आप इसको हाइड करना चाहते हो तो अगेन आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो, या फिर आप कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करो। देखो कंट्रोल के साथ मैं F1 प्रेस करूँगी तो क्या होगा, ये रिबन हाइड हो गए। अगेन मैं कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करूँगी तो ये शो होने लगेगा। तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ भी समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 शो हो रहा है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट 1 क्या है, तो ये इस फाइल का नेम है। क्या है, इस फाइल का नेम है। मैं इस फाइल को सेव करती हूँ, सेव, और मैं यहाँ पर कुछ भी एस कर देती हूँ, देन सेव। आप देखो डॉक्यूमेंट्स 1 की जगह पर क्या शो हो रहा है, एस शो हो रहा है। इस फाइल का नाम क्या है, एश। ओके तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको ये क्लॉज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारे ऑप्शंस का यूज समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।